धर्म के अंदर लगभग हर विषय को मैंने उसके अंदर छुआ, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेजों को खोलने की बात हो, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो और चाहे वो गांव। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ स्वार्थी लोग, पॉलिटिकल लोग, वो लोग जो विरोधी कहलाते हैं, वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि इन माइग्रेंट्स की समस्या को कोई उठाए, उन्होंने निराधार रूप से इस बात का प्रचार करने की कोशिश की है कि मानो हम बाहर से आने वाले राज्यों के लिए वो कर रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी झोंपड़ियां जिनमें लाखों लोग बाहर से आकर बसे हैं, क्योंकि बाहर से ज्यादातर लोग गरीब आते हैं, बहुत अमीर लोग नहीं आते, उन लोगों के लिए आपको मालूम है, चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, हमने हमेशा संघर्ष किया है। मेरे साथ जो सांसद बैठे हैं, इन्होंने भी लोकसभा के अंदर, और मैं कहूंगा कि इनमें से जो फर्स्ट टाइमर्स होते हुए भी जिस तरीके के भाषण लोकसभा के अंदर दिल्ली की समस्याओं को लेकर दिया गया, 15 साल से कांग्रेस का रास्ता, 49 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार रही, पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इन इन समस्याओं को हल करेगी और इन इन समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, वित्त मंत्री को जवाब देना ध्यान देना चाहिए, वो काफी सराहनीय है।